और अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां सीजी के रमदहा जलप्रपात में पिकनिक मनाने गए 7 लोग जलप्रपात में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न के रहने वाले 7 लोग रविवार को पिकनिक मनाने भरतपुर ब्लॉक के रमदहा जलप्रपात गए थे। इसके बाद सभी दोपहर 12 बजे के आसपास नहाने के लिए अंदर गए थे, मगर जल स्तर बढ़ा होने के कारण ये हादसा हो गया। घटना के वक्त आसपास कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने काफी मशक्कत से 2 लोगों को निकाला भी, लेकिन तब तक एक युवक की जान जा चुकी थी, जबकि एक को गंभीर हालत में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी 7 लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। खबर मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। प्रशासन को भी घटनाक्रम के बारे में बता दिया गया है। प्रशासन से गोताखोरों को भी मौके पर भेज दिया गया है, जिसके बाद अन्य 5 लोगों की तलाश जारी है। बताया जाता है कि ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है। 5 महीने पहले भी इसी जलप्रपात में हादसा हुआ था। उस दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हुई थी। वह युवक भी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सभी उमरिया जिले से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। नहाने के दौरान ही ये हादसा हुआ था। इसके बावजूद यहाँ बरसात में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।